आपका क्वेश्चन है, द पेंट इन अ सर्टन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट ऑन एरिया 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ द कंटेनर। तो एक कंटेनर के अंदर पेंट है, वो आपका कितना इतना एरिया को पेंट कर सकता है। तो नाउ वी हैव टू टेल कि नंबर ऑफ ब्रिक्स जिसका डायमेंशन इज दिस कितना होगा, कितने ब्रिक्स होंगे, वी हैव टू टेल दैट। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया कितना पेंट हो सकता है इन वन कंटेनर। तो वी कैन से टी एस ए ऑफ एरिया, टोटल सरफेस एरिया पेंटेड बाई अ कंटेनर। तो दे हैव गिवेन यू 9.375 मीटर स्क्वायर, 9.375 मीटर स्क्वायर। नाउ अब आगे देखो इसने क्या दिया है, इसने दिया है दे आर ब्रिक्स को पेंट करना है ना। तो ब्रिक्स को पेंट करने के लिए ब्रिक्स का पैरामीटर हम लोग लिखते हैं। तो लेंथ कितना दिया है इसने, देखो 22.5, फर्स्ट इज योर लेंथ सेंटीमीटर्स, नेक्स्ट इज योर ब्रिथ, ब्रिथ इज योर 10, नेक्स्ट इज योर हाइट, हाइट इज 7.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहां पर देखो ब्रिक्स इज इन सेंटीमीटर बट द पेंटिंग इज इन मीटर स्क्वायर। तो वी विल कन्वर्ट दिस मीटर स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ वी विल कन्वर्ट, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो आपका क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वी कैन से 100 होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वी कैन से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर 1 मीटर स्क्वायर। तो दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाई दिस मच, कितना यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 इंटू 10,000। तो आपका क्या आ जाएगा, देखो 9.375 इंटू 10,000 दैट इज इक्वल टू 9,350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस मच एरिया वी कैन पेंट। नाउ वी विल फाइंड आउट ब्रिक्स, क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ब्रिक, टी एस ए ऑफ Each brick। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं ब्रिक्स की, तो देखो क्या आ रहा है आपका, 2 इंटू LB 22.5 इंटू 10। तो 22.5 इंटू 10 प्लस बी एच 10 इंटू 7.5, 10 इंटू 7.5 प्लस नाउ एच एल 7.5 इंटू 22.5, 7.5 इंटू 22.5। ठीक है नाउ, तो ये आपका क्या हो गया, देखो 22.5 इंटू 10 इज 225 प्लस 7.5 इंटू 10 इज 75 प्लस नाउ 225 इंटू 7.5। तो इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ रहा है, देखो 225 एंड 75। तो 5 5s are 25, 2 carry वी कैन से, नाउ 5 2s are 10, 12, 1 carry 10, 11,
सेवन फाइव जा 35, थ्री कैरी, सेवन टू जा 14, प्लस थ्री इज 17, वन कैरी, 14 प्लस वन इज 15, तो फाइव सेवन एट सिक्स वन, एंड द डॉट्स आर थ्री वन एंड वन मीन्स टू, तो यर इट 168.75, तो यर इट विल कम यू, आपका कितना आ रहा है 168.75, ठीक है। नाउ इसको ऐड करो तो आपका आगा 2 इंटू नाउ 0.75, 0.75 वैसे का वैसे रहा क्योंकि पॉइंट कहीं पर भी नहीं है। नेक्स्ट 8 प्लस 5 इज 13, 13 प्लस 5 इज 18, तो 8 वन कैरी, नाउ 6 प्लस 1 इज 7, 7 प्लस 7 इज 14, 14 प्लस 2 इज 16 एंड वन कैरी, 2 प्लस 2 इज 4, तो आपका कितना एरिया आ रहा है देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक 2 इंटू दिस, तो दैट मीन्स दिस इज योर 50, 50, वन कैरी, नाउ 2 सिक्स जा 2 एट जा 16, 117, वन कैरी, नाउ 2 सिक्स जा 12, 113, वन कैरी, 2 फोर जा 8, 19, तो 937.50 मीटर स्क्वायर इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक। नाउ वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ ब्रिक्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होता है आपका एन, वी कैन से नंबर ऑफ ब्रिक्स, दैट इज इक्वल टू हाउ मच टोटल एरिया, टोटल एरिया बाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ब्रिक। तो अब आपका क्या हो रहा है देखो, टोटल एरिया इज 93750 बाई और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ब्रिक इज 937.50। नाउ पॉइंट हम इसको हटा देंगे तो देखो क्या आ रहा है आपका 93750 एंड पॉइंट हटाएंगे तो टू जीरो, पॉइंट के बाद टू है, टू है ना, दो टू डिजिट्स हैं तो टू जीरोस विल कम अप, दैट मींस टू जीरोस बाई एंड डाउन में आपका क्या है 93750, ठीक है। तो वन टाइम्स एंड यहां तक आपका वन हो गया, तो 100 दैट मींस इट इज योर 100 ब्रिक्स इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना है।